हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है, दैट इज़ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, ये पूरा ही चैप्टर एक वन शॉट में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ईजी होने वाली है, विद नोट्स पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे हम, बेस के बारे में भी और सॉल्ट के बारे में, अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड, एसिड के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एसिड कैसा होता है? दीज आर सॉर। सॉर का मतलब होता है खट्टा होता है टेस्ट में एसिड। जैसे एसिड में आपका आ जाता है लेमन आ जाता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे विनेगर आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? खट्टी होती हैं। तो एसिड का टेस्ट क्या होगा? खट्टा होगा। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर आप किसी एसिड में उसको टेस्ट करोगे तो ब्लू लिटमस को जब आप लोगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिड में डालते ही वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, सो दे गिव्स एच प्लस आयन्स ऑन द एक्वस सॉल्यूशन। तो एच प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं, वो देते हैं, एसिड देता है। ठीक है, एसिड कॉल्ड मेटल्स, मतलब कि एसिड जो है वो मेटल्स को खा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स ये रखे हैं एसिड के। आपको एसिड के बारे में पता चल चुका है कि उसका टेस्ट जो होता है सॉर होता है, और लिटमस ब्लू लिटमस से अगर वो टर्न हो जाता है रेड लिटमस में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज़ HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। ठीक है, वीक एसिड्स हो गए आपके एसिटिक एसिड, ऑलेक्सिक एसिड और सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का जो एग्जांपल है दैट इज लेमन। लेमन के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज में भी होता है क्योंकि ऑरेंज खट्टा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। आप कुछ ये एग्जांपल्स याद कर सकते हो। ठीक है, अगर वन मार्क्स में भी पूछा जाता है तो आप एटलीस्ट डेफिनेशन लिख सकते हो और एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अब आती है दो एसिड्स होते हैं, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है? इसमें ये डिफरेंस होता है, इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज़ हायर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर जो है एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड अगर ज़्यादा है और वाटर लेवल जो है वो कम है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन एसिड्स। और डाइल्यूट में इसका उल्टा है, वाटर की क्वांटिटी क्या होती है उसके अंदर ज़्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, एसिड का क्या होगा, एसिड का क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये डिफरेंस होता है, ये दो तरह के एसिड्स हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा, अब बात आ जाती है बेस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं? दीज आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वे। ठीक है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वो किस में टर्न हो जाते हैं? रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में टर्न हो जाते हैं। और ये क्या देते हैं? दे गिव्स ओ एच नेगेटिव आयन्स। यहाँ पे नेगेटिव का मार्क नहीं बनाया है, तो ये ओ एच नेगेटिव आयन्स देते हैं इन एक्वा सॉल्यूशंस में। ठीक है, और इनका जो होता है सोपी होता है टच में। ठीक है, कैसे होते हैं ये? सोपी होते हैं, मतलब जैसे सोप हो गई आपकी, तो वो क्या होगा? बेसिस होगा। अगर आप सोप को खाने लग जाओगे तो ऑफकोर्स वो आपको कड़वा लगेगा, तो वो क्या होता है? सोपी टच में होते हैं वो। ठीक है, उन्हें आप बेसिस कहते हो। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और वीक एसिड्स हो गए एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये आप एग्जाम्पल ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, एक्लाइन, ये क्या होते हैं? जो कि जो बेसिस जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे आपकी सोप है, वो क्या हो गया? उस पर आप पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएगी? वाटर में मिक्स होने लग जाएगी सोप। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? एल्कलाई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, इम्पॉर्टेंट नोट, कुछ जो होते हैं सब नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे विनेगर हो गया, विनेगर कौन सा होता है आपका एसिड? डैट इज एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में मैंने आपको बताया था खट्टा होता है, तो उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। लेमन भी खट्टा होता है, तो वो है सिट्रिक एसिड। टेमरिंड, इसमें हो गया टेट्रिक एसिड। टमाटो में होता है ऑक्सलिक एसिड। सोर मिल्क मतलब दही में होता है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ आपको नेचुरली बोला गया था कि कुछ एसिड्स होते हैं जिसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, बोथ एसिड्स एंड बेस कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वा सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस।
अब एसिड और बेस में क्या होते हैं, दोनों में ही इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कुछ फ्री के आयन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, वो डिपेंड करती है एच पॉजिटिव आयन्स और ओ एच नेगेटिव आयन्स पर डिपेंड करती है उनकी स्ट्रेंथ। अगर एच प्लस आयन्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे एसिड के अंदर, तो दैट मीन्स एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ओ एच नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस होंगे ज़्यादा, तो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बेसिस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर एच पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे तो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दैट मीन्स एसिड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो उनकी स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स पर, ठीक है। केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो हार्म करते हैं हमारी बॉडी को, सम आर वेरी लिथल एंड देयरफॉर वी कुड नॉट रिलाई ऑन द फिजिकल टेस्ट सच एज टच एंड अपीयरेंस। कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि लेबॉरेटरीज वगैरह में वहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं कि वो एसिडिक करेक्टर के हैं या फिर बेसिक करेक्टर के हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स होते हैं कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब क्या होता है, इंडिकेटर्स ये हो गए कि वो कुछ सब्सटेंसेस जो है ना अपना कलर स्मेल को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स आपको दे रखे हैं, दैट इज़ नेचुरल इंडिकेटर पढ़ते हैं सबसे पहले। दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए जो नेचर में, जो प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। जैसे हो गया लिटमस, लिटमस जो है अगर आप उसको एसिड में डालोगे, एसिड में टेस्ट करोगे, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। बेसिस में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। जैसे टर्मेरिक होती है, टर्मरिक एक एसिड हो गया, दैट इज़ येलो कलर का होता है टर्मरिक, हल्दी येलो कलर की होती है लगा, लेकिन जब आप उसको बेसिस में टेस्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, रेड कलर हो जाएगा। जैसे कि आपके कपड़ों पे अगर हल्दी लग जाती है, ठीक है, तो आप उसको पानी से उसे धोते हो, जब पानी से उसे धोगे तो वो रेडिश रेडिश सा हो जाता है, तो दैट मीन्स वो अपना कलर को चेंज कर देता है, येलो से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, वो एसिड से क्या बन जाता है, बेसिस में चला जाता है वो, तो अपनी कलर को चेंज करता है या कुछ स्मेल को चेंज करता है, तो आप उसको बोलते हो इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोल रखा है लिटमस जो होता है वो फ्रॉम लिंचेस से ऑब्टेन होता है, दैट इज़ एक प्लांट होता है उससे मिलता है। सेकेंड इंडिकेटर है दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं, ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू इंडिकेटर्स को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए कि केमिकल प्रोसेस से इन इंडिकेटर्स को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। कॉमन सिंथेसाइज इंडिकेटर दे रखे हैं, दैट इज मिथेल ऑरेंज। तो ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन ये रेड टर्न हो जाता है एसिड के साथ और येल्लो हो जाता है बेस के साथ। फेनोफेथिलीन, अब ये क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, वो कलरलेस ही रहता है लेकिन एसिड के साथ, और पिंक हो जाता है बेस के साथ, ठीक है। तो ये होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और द बेस आर नोन एज ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो इसमें क्या होती है, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब वो एसिड या बेस के साथ मिक्स होते हैं। जैसे अनियन हो गया, अनियन में क्या होता है, टेस्ट या फिर जूस उसके स्मेल को लूज कर देता है जब वो पानी के साथ मिक्स होता है, बेस के साथ मिक्स होगा तो, ठीक है, तो उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। इट डज नॉट चेंज इट स्मेल विद द एसिड्स। एसिड्स के साथ जो है वो स्मेल को चेंज नहीं करता है, लेकिन बेस के साथ चेंज करता है। ऐसी वनीला, वनीला की जो स्मेल होती है वो वर्निश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बेस के साथ, बट इट स्मेल डज नॉट वैनिश विद एन एसिड। एसिड के साथ चेंज नहीं होती है, तो इसे कहते हैं हम कि स्मेल को चेंज हो जाना एसिड या फिर बेस के कॉन्टैक्ट में आते ही, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दोनों की ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। हमने पढ़ लिया एसिड और बेस क्या क्या होती हैं, उनके इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स विद, अब एसिड और बेस को अगर रिएक्शन हो मेटल के साथ तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो जब एसिड प्लस मेटल हो जाता है, एसिड को अगर मेटल पे आप डाल दोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, तो आपका क्या निकल आएगा, दैट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है।
जब आप एसिड के साथ मेटल के साथ रिएक्ट करोगे, दोनों का रिएक्शन देखोगे, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होगा और सेम रिएक्शन जो होगा वो बेसिस में भी होगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, एसिड हो जाता है आपका 2HCl प्लस मेटल हो जाता है जिंक Zn, ठीक है। तो बन के क्या मिलता है, बनता क्या है, Zn प्लस Cl क्लोराइड के साथ हो जाएगा, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, बिल्कुल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो जिंक क्लोराइड क्या हो जाता है आपका, एक सॉल्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेसिस में है, तो दिस इज द सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस जिंक के साथ ही हम ले रहे हैं इसको, तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे, सोडियम जिंकेट बन जाता है, ठीक है। सोडियम के साथ जेड एन मिक्स हो गया और यहाँ पे क्या पे क्या हो गया, एच टू हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ठीक है। Na2ZnO2, तो इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ऐसे एक दोनों क्या करेगा, रिएक्ट कर गए। अब आपको बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, दैट इज एक्टिविटी 2.3, तो पॉप टेस्ट। अब यहाँ इस पॉप टेस्ट में क्या होता है, इस एक्टिविटी में क्या है कि इसमें क्या होगी, देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें ये टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या पे क्या डालेंगे, यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालना है, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ इसके अंदर बबल्स वगैरह उठने लग जाएंगे, ठीक है। फिर वो इस ट्यूब के ज़रिए ना पानी में हम उसको छोड़ेंगे, पानी में वो बबल्स जाएंगे, तो बबल्स क्या है, ऊपर 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 चलते चले जाएंगे। तो जब जो है आप उसके पास कैंडल लेके जाओगे उन बबल्स के साथ, तो वो एक पॉप साउंड करेगा। पॉप साउंड करने का मतलब यही हो गया कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन उसके अंदर है, ठीक है। दोनों जिंक ग्रैनुअल्स के साथ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो टेस्ट हो रहा है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस के और ये बर्न हो रही है, एक पॉप साउंड निकलेगा, ठीक है। व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, इट्स बर्न विद अ पॉप साउंड। दिस टेस्ट कंडक्ट फॉर एग्जामिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आपको हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना है कि वो उसके अंदर प्रेजेंस है या नहीं है उसके अंदर, तो आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्टिविटी 2.3। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हो रहा है हमारा, दैट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। दोनों के साथ ही हम करके देखेंगे। बोथ मेटल कार्बोनेट एंड बायो कार्बोनेट सॉल्ट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज CO2 गैस एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सबसे पहली बात, ये हमेशा ये दोनों जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं कभी भी। तो ये आपको सबसे पहले माइंड में रख लेना है। ये मैंने यहाँ पे रेड से जो दिख रहा है ना आपको, मैंने यही चीज़ इसमें लिख रखी है, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो क्या रिलीज करेंगे, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल लिख रखा है, दैट इज एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट करोगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपका रिलीज होगा, ठीक है। तो दैट इज एसिड हो जाता है आपका 2HCl, मेटल कार्बोनेट मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या क्या बन गया, NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, दैट इज सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपको ये मेन फॉर्मूला याद कर लेना है कि कैसे कैसे हो रहा है। एसिड HCl NaHCO3 आपका बन जाता है सॉल्ट, दैट इज NaCl प्लस CO2 और H2O वाटर, ठीक है। इतना क्लियर है, तो ये दोनों का ऐसे रिएक्शन हो रहा है। अब इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो आपको एक्टिविटी दे रखी है बुक में। तो एक्टिविटी क्या हो रही है, CO2 को हम टेस्ट कर रहे हैं लाइम वाटर से, अगर उसको पास करते हैं तो, ठीक है। लाइम वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है। तो लाइम वाटर हमने लिया है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, दैट इज CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करेंगे लाइम वाटर में, तो क्या आएगा आपका, मिल्की वाइट कलर का होता है CA। देखो दोनों को बैलेंस करते हैं, CaCO2 इसके साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओ आपका डबल हो जाता है तो CO3 हो जाएगा प्लस वाटर, ठीक है। जब एक्सेस CO2 होगा, जब ज़्यादा होगा, दैट इज CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो आपका बन जाएगा एक कलरलेस, दैट इज CaHCO3,
ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ याद कर लेनी है, आप एक्टिविटी बुक में जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं सारी ही सेपरेट एक्टिविटीज़ की, तो आप मुझे बता सकते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, हमारा थर्ड रिएक्शन है कि एसिड और बेस दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस जो है जब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज सॉल्ट प्लस H2O मिलेगा, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो एसिड हमने लिया HCl और बेस हो जाता है आपका NaOH। ठीक है, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, दैट इज Na सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दैट इज H2O। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन जो होता है एसिड बेस का ईच अदर दोनों एक दूसरे के साथ तो क्या कैसे होता है, आप उसका एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। जब एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं वाटर और सॉल्ट बनाने के लिए, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, H प्लस आयन्स इन्वॉल्व होते हैं, OH नेगेटिव आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिससे क्या जनरेट होता है, वाटर जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीन रिएक्शन हो चुके हैं, फोर्थ रिएक्शन कौन सा है हमारा, रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द मेटल ऑक्साइड। अब बारी आ जाती है मेटल ऑक्साइड की और नॉन मेटल ऑक्साइड की। ठीक है, एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो, तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो नोन एज अ बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और जो होता है मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ देगा, वाटर एंड सॉल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटलिक ऑक्साइड 2HCl प्लस एसिड CaO। ठीक है, सॉल्ट आपका हो जाता है Ca क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस वाटर। ठीक है, तो आपको एक्टिविटी भी दे रखी है इसके अंदर, दैट इज 2.7। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो डाइल्यूटिक हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे क्या क्या चीज़ बनेगी, टू फॉर्म अ कॉपर क्लोराइड एंड वाटर बनेगा। ठीक है, तो वही इसमें दे रखा है, दैट इज CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, प्लस CuCl2 प्लस H2O। जैसे यहाँ पे रिएक्ट हो रहा था वैसे ही हमें इस एक्टिविटी में सेम चीज़ बोली गई है। ठीक है, दैट इज 2HCl एसिड CaO कैल्शियम ऑक्साइड मतलब मेटलिक ऑक्साइड सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है कलर में, व्हेन डाइल्यूटेड एसिड जो इसके अंदर ऐड किया जाता है तो जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड की वजह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि दोनों इस तरीके से रिएक्ट करें। ठीक है, आपने इक्वेशन बना दी इसकी, लेकिन वो कौन से कलर का होता है ये चीज़ अगर पूछी जाती है तो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। अब आपको बोला गया है नेक्स्ट, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद द बेसिस। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ बोला गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो वही चीज़ इसमें यहाँ पे लिख रखी है, दैट इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस इज सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, दैट इज CO2 CaOH2। तो रिएक्शन क्या हो जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर H2O। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये था आपका मेटलिक एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड का। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या है, व्हाट डू ऑल द एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो इसमें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सबसे पहली बात कि सारे ही एसिड जो होते हैं वो सॉ टेस्ट के होते हैं। सॉ टेस्ट का क्या मतलब, मैंने आपको बताया था। बेसिस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर डिपेंड करता है और बेसिस में OH नेगेटिव आयन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस एसिड में क्या होता है, लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है, ब्लू टू रेड टर्न होता है। ठीक है, और इसमें फेमिनल विल रिमेन कलरलेस, वो कलरलेस ही रहता है एसिड में। इसमें क्या होता है, लिटमस जो है वो रेड से ब्लू में टर्न होता है और फेनो पैथलिन वो टर्न हो जाता है कलरलेस से पिंक कलर में हो जाता है, जो हमने ऊपर बात करी है वो इसका शॉर्ट फॉर्म चल रहा है यहाँ पे।
ठीक है, एच प्लस आयन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के, और यहाँ पे ओ एच नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक नेचर के, इनका जो है एसिडिक नेचर हो गया, इसका इनका बेसिक नेचर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एसिड और बेस के, और हमने चार रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है, पांच रिएक्शंस पढ़े हैं, वो आपको पता होने चाहिए। मेटल के साथ रिएक्ट करना, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना, दोनों को एक साथ रिएक्ट करना, एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करना, मेटलिक ऑक्साइड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करना, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए। अब बारी आ जाती है एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, अगर एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में कैसे होता है वो यहाँ पे बताया गया, ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे बोल रखा है, पहले एसिड का बोल रखा है, दैट इज एच प्लस प्लस एच टू, ठीक है, एसिड प्लस वाटर, तो हमारा क्या बन जाएगा, एच थ्री ओ प्लस, दैट इज इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, एच थ्री ओ प्लस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक ही वाला एच हो गया आपका और एक ही वाला एच हो गया, ठीक है, इसके आगे टू लगी रहा है तो थ्री एच हो गए और ओ का आ गया और पॉजिटिव का साइन आ गया बिकॉज एसिड एसिड की वजह से, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन्स बोलते हैं। जो एच पॉजिटिव आयन होते हैं वो अकेले एग्जिट नहीं करते हैं, एच प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट एज अ एच थ्री ओ प्लस, मतलब हाइड्रोनियम एसिड्स। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, दैट इज एच सी एल, अकेला नहीं है ना एच पॉजिटिव, तो हाइड्रोक्लोरिक हो गया, ठीक है, तो वाटर के साथ जब उसने रिएक्ट करा तो क्या बन गया उसका, एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल नेगेटिव, ठीक है। बेसिस में क्या होता है, वाटर जो है वो बेसिस में डिजोल्व हो जाएगा जिससे ओ एच नेगेटिव आइंस वो देता है। तो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल मैंने लिख रखा है, दैट इज एन ए ओ एच वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एन ए पॉजिटिव, मतलब बेसिस के अंदर क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एन ए आपका सेपरेट हो जाएगा, ओ एच आपका सेपरेट हो जाएगा, एन ए पॉजिटिव हो जाएगा, ओ एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों क्या हो गए, सेपरेट सेपरेट हो गए, ठीक है। तो बेसिस जो है वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है जिसकी वजह से दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, हमने ये पढ़ लिया वाटर सॉल्यूशन का। अब बारी आ जाती है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की, कि हम कैसे जो हैं उनके कलर्स का, उनके पीएच लेवल का कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर है, उनका बेसिक नेचर है या न्यूट्रल नेचर है, कि कैसे कैसे उनके नेचर हैं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं वो इसमें बात करेंगे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर विथ सो डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, मिक्सचर है किसका, सेवरल इंडिकेटर्स का, जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है एच प्लस आयन का सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, पीएच, जैसे हम पीएच की फुल फॉर्म क्या होगी, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब आपको मैंने यहाँ पे फिगर दिखा रखी है कि अगर आपका 0 to 6 है तो कैसा नेचर होगा उनका, एसिडिक होगा। अगर सिर्फ 7 है, एग्जैक्ट 7 है, तो न्यूट्रल नेचर होगा। अगर उनका 8 to 14 है, दैट इज़ बेसिक नेचर होगा। तो 14 तक होता है, 0 to 14 तक होता है पीएच लेवल। तो नीचे भी मैंने यही चीज़ लिख रखी है कि पीएच की वैल्यू जो है, अगर 7 से ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर, अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक, अगर एग्जैक्ट 7 है तो क्या हो गया, न्यूट्रल, या फिर आप सॉल्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल हमने पढ़ लिया है। अब बारी आ जाती है इसके आगे डिटेल में पढ़ने की। अगर पीएच जो है, वैल्यू जो है सब्टेंस की, अगर 1 to 3 तक है, मतलब 1 to 3 तक है, तो वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाते हैं, जिनका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। 1 to 3 में आते हैं बीच में, ठीक है, उनका कलर क्या होता है, रेड होता है। अगर पीएच वैल्यू जो है सब्टेंस की वो 3 to 6 है, तो वो क्या आ जाते हैं, वीक एसिड में आ जाते हैं, जो इनका कलर होता है ऑरेंज टू येल्लो, ठीक है। मतलब कि पीएच मतलब 3 to 6 तक, ऑरेंज से येलो तक, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 है तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उनका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू है 8 to 11 तो उनका कलर क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्लू। अगर उनकी उससे ज़्यादा है, 11 to 14 है, तो उनका कलर हो जाएगा वॉयलेट और इंडिगो, ठीक है। इतना क्लियर, तो ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा एसिड है, कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बता रखी है, वो आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेना है। अब पीएच वैल्यू जो डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, ये बताना है हमें। सबसे पहले हमारी बॉडी जो है वो बिटवीन 7 to 7.8 पीएच के बिटवीन होती है, ठीक है।
क्योंकि अगर ये इतनी नहीं होगी, इसके अंदर कुछ भी चेंज होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो 7 to 7.8 होता है, तो ये आपको याद रखना है, 7 to 7.8। अगर हम पीएच बात करें रेन की, तो वो लेस देन 5.6 होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। कभी कभार एसिड रेन होती है, तो उसका जो पीएच लेवल होता है रेन का, वो लेस देन 5.6 होता है, ठीक है। तो पीएच लेवल से हम ये लगा सकते हैं कि वाटर लेवल जो है कंटेंड है या नहीं है, वो एसिडिक रेन है या नहीं, ठीक है। टूथ डिके, टूथ डिके स्टार्ट कब होती है, जब पीएच का जो लेवल है माउथ का वो लेस देन 5.5 होता है, ठीक है। उससे कम होगा तो हमारे क्या होगा, टीथ ख़राब होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ प्लांट का जो स्पेसिफिक पीएच होता है फॉर द हेल्दी ग्रोथ के लिए, वो यहाँ पे बताया गया है। गुड ग्रोथ होती है तो हमें सॉइल का पीएच लेवल और पर्टिकुलर प्लांट जो होता है उसका पीएच लेवल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमें पीएच लेवल के बारे में क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट पर। देखो एसिड बेस के बारे में हम पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्या क्या होता है, उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया, पीएच लेवल के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सॉल्ट, अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास सॉल्ट। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइज रिएक्शंस का रिजल्ट होता है। मतलब कि एसिड प्लस बेस होगा तब जाके हमें क्या मिलता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। तो मतलब क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन ही क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने जैसे रिएक्शन बोला क्या था ना पीछे, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस विद ईच अदर, ठीक है। तो उनका क्या रिएक्शन होगा, दैट इज रिजल्ट क्या होगा, सॉल्ट होगा। यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख रखी, एसिड HCl NaOH सॉल्ट बन गया जाता है आपका, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट के मैंने यहाँ पे नाम दे रखे हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पैरिस, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं सॉल्ट के बारे में, जिनको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये NaOH जो हो गया वो आपको पता चल गया ना, Na सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या बोल रखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये किसका क्या यूज़ होता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वा सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड के, जो वो डीकंपोज होकर क्या फॉर्म होता है, NaOH फॉर्म होता है। दैट मीन्स टू सोडियम क्लोराइड H2O लेंगे जब हम, तो क्या बनेगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 एनोड में और H2 कैथोड में, ये भी आपको याद रखना है इसके अंदर। तो ये पूरा आपकी इक्वेशन बन जाती है। इसके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, सोप डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होता है इसका, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है, ऑयल रिफाइनरीज में इसका यूज़ होता है, PVC मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और पेस्टिसाइड बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें लिख देनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो क्या क्या रिएक्शन इसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला हो जाता है आपका CaOCl2, ठीक है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है किसमें, ड्राई सेक्ड लाइम में। ड्राई सेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो क्या चीज़ आपकी बन जाएगी, ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम ओ इसका आ जाएगा, यहाँ पे एक ओ यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो क्लोरीड प्लस वाटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका रिएक्शन आ जाएगा। आपको याद रखना है कि क्लोरीन के साथ जब ड्राई स्लेक लाइम का रिएक्शन होता है तो आपका क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ब्लीचिंग कॉटन में यूज़ होता है, लीन में होता है, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। वुड पाइप पेपर फैक्ट्रीज़ में ब्लीच का यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइज एजेंट केमिकल फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेकिंग सोडा पर। केमिकल फॉर्मूला आप देख सकते हो, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका क्या रिएक्शन हो गया, क्या चीज़, कैसे कैसे इसे प्रिपेयर किया जा रहा है,
तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, वाटर लिया जाता है, कार्बोनेट का लिया जाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, ठीक है, NHA को लिया, एल्युमिनियम को लिया जाता है, ठीक है। तो तब जाके ये आपका सॉल्यूशन रेडी होता है, बेकिंग सोडा रेडी होता है, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इन दोनों को मिलाओगे तो ब्लीचिंग बेकिंग पाउडर आपका बन जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें पढ़नी होगी, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये माइल्ड होता है और नॉन कॉन्सिव बेस का होता है, हीट प्रोड्यूस होती है जब कुकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका बन जाता है, दैट इज़ 2NaHCO3, ठीक है। तो जब आप इसको अलग अलग करोगे तो दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 आपका निकलता है, ठीक है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, इंग्रीडियंट एंटासिड में यूज़ होता है, यूज़ फायर एक्सटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है, और बेकिंग पाउडर में भी इसका बनाने में यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका बेकिंग सोडा प्लस टैट्रिक एसिड को मिलाया जाता है, तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज़ हुआ होता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, ब्रेड में, केक में, उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम छोले उबालने में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम बेकिंग सोडा का इसमें यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा का भी हम ब्रेड, केक वगैरह उन्हें फुलाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा। फोर्थ है आपका वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप पढ़ सकते हो, दैट इज Na2 सोडियम कार्बोनेट CO3 .H को हम बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो इसमें क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव द बेकिंग सोडा, ये बेसिक सॉल्ट भी होता है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन इसका होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, पहले केमिकल फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर और 10 वाटर को मिलाकर, 10H2O को मिलाकर, तब ये फॉर्मूला आपका बनता है। आपको याद रखना है 10 मीन्स डेका। तो ये ऐसा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है, हाउसेज में, ठीक है। हार्डनेस जो होती है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा। तो अब हम बात करते हैं 10H2O की वॉशिंग सोडा में। तो इसमें क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, जो कि ड्राई होते हैं, बट वो ड्राई नहीं होते हैं, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हो गया कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है फिक्स नंबर में होते हैं, एक सॉल्ट के फॉर्मूला में प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, अब 10 के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे फिक्स होता है 10, दैट इज़ CuSO4.5, इसमें 0.5 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है, ठीक है। CaSO4 2, इसमें .2 दे रखा है वाटर के आगे, H2O के आगे, तो दैट इज़ 2 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो फिक्स्ड है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, अगर ये सेपरेट पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल फॉर्मूला और नेम लिख रखा है मैंने, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी को बोला जा रहा है हाफ, हाफ लिखा है तो दैट मीन्स हेमी, और 10 लिखा है तो डेका, ठीक है। तो कैल्शियम SO4 दैट इज सल्फेट, हाफ दे रखा है 0.5 H2O, तो दैट मीन्स हेमी, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि गिप्सम को हीट किया जाता है, गिप्सम हम बाद में बात करेंगे, गिप्सम आप बस ऐसे याद रख लीजिए कि एक होता है, एक पाउडर फॉर्म में होता है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है, मतलब POP, ठीक है। POP को पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो एक हार्ड सा सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे प्लास्टर बनाना हो, प्लास्टर करना हो, ठीक है, उसमें तो ये केमिकल फॉर्मूला पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे लिख रखा है हाफ, हाफ का मैंने आपको बताया, दैट इज़ हेमी हाइड्रेट, ठीक है, प्लस हाफ H2O, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो गिप्सम आपका रेडी हो जाएगा, यहाँ पे POP का फॉर्मूला बोल रखा था, दैट इज़ प्लास्टर का बोल रखा था, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये, तो प्लास्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, किसी स्मूथ सर्फेस के लिए भी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए
ये चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। सॉल्ट का टॉपिक बहुत ही आसान चैप्टर था, कुछ भी नहीं था। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एसिड पढ़ा, ठीक है, फिर हमने बेसिस के बारे में पढ़ा, दो चार रिएक्शंस, पांच रिएक्शंस हमने पढ़े हैं। फिर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर सीधा हम सॉल्ट पे आ गए, ठीक है। सॉल्ट में हमें ये कुछ पांच दे रखे थे, ठीक है, जो केमिकल्स हमें दे रखे सॉल्ट के, वो हमने पढ़ लिए। बस यही पूरा चैप्टर में था, चैप्टर बहुत छोटा सा था। तो इसकी जो PDF का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।